सर्दियों में स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हम कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। स्किन को हाइड्रेट रखने और ग्लोइंग बनाने के लिए आप होममेड फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों से बनने वाले इस फेस सीरम से स्किन का टेक्सचर बेहतर होता है और त्वचा मॉइस्चराइज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फेस सीरम बनाना। सबसे पहले हम लेंगे आधा चम्मच ग्लिसरीन, इसके बाद इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा बादाम का तेल और दो विटामिन ई के कैप्सूल हम इसमें ऐड कर देंगे। और एक चम्मच रोज वाटर इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें लगभग आधा चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सभी चीजों को अच्छे से आपस में मिला लेना है। होममेड फेस सीरम बनकर तैयार है। इसमें हमने जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है सभी सर्दियों में ड्राई स्किन और डल स्किन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। गुलाब जल सर्दी के मौसम में एक टोनर की तरह काम करता है। सीरम लगाने से पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें और उसके बाद सीरम को लगाकर चेहरे की हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। सीरम स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ये चेहरे के एक्स्ट्रा ऑयल को भी कम करता है, उम्र बढ़ने के साइन को कम करता है। सीरम के लगातार इस्तेमाल से त्वचा में कसावट आती है और इसमें मौजूद सभी चीज़ें त्वचा को स्वस्थ बनाए रखती है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।